जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20 पर चर्चा करेंगे। नाते असनातस्तु योगो अस्ति न चेकात्स्य अनुसनातन न चाति सोपन शीलस्य जागरतो न विचार अर्जुन। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ध्यान के लिए अनुशासित शैली के महत्व को बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अत्यधिक खाने वाले का योग नहीं होता और न ही अति संयम से भूखे रहने वाले का। जो अत्यधिक खाने वाला है या जो हमेशा जागता रहता है, उसका भी योग में सफलता नहीं मिलती। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है तो उसका शरीर आलसी और सुस्त हो जाता है, जिससे मन भी अस्थिर हो जाता है। योग और ध्यान की सफलता के लिए शरीर और मन का एकाग्र होना आवश्यक है। अतः श्री कृष्ण यहाँ अत्यधिक खाने से बचने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर भूखा रहने या अत्यधिक संयम से भी योग में सफलता नहीं मिलती। अगर व्यक्ति पूरी तरह संयमित होकर कम खाए तो शरीर कमजोर हो जाएगा और मन भी विचलित हो सकता है, इसलिए संयम का भी संतुलित रूप आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक जागता वह भी योग साधना में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और एकाग्रता का स्तर गिर जाता है, जिससे उसका ध्यान और योग में मन नहीं लग पाता। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि योग और ध्यान का अभ्यास तभी सफल होता है जब जीवन में संतुलन होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मश युक्ता स्वपनाव बोधस्य योगो भवति दुखः। जिस व्यक्ति का आहार विहार यानी जीवन शैली में संतुलन होता है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला होता है। अर्थात व्यक्ति का भोजन और दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। भोजन का सीधा प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है, इसलिए इसे संतुलित रखना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने कार्यों में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह शारीरिक परिश्रम हो या मानसिक कार्य। संयमित और संतुलित जीवन शैली व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। इस श्लोक का संदेश, यदि हम जीवन में सभी क्षेत्रों में संतुलन कर लेते हैं तो योग हमारे दुखों को समाप्त करने का साधन बन जाता है। यदा विनियतम चिदम आत्मनेव तिष्ठते निष्प्रिय करो कामो भय युक्त यत्युच्यते तदा। जीवन में पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, और जब व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है तब उसे योग में स्थिर कहा जाता है। अर्थात एक सच्चे योगी का मन पूरी तरह से नियंत्रित होता है, वह इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पा लेता है। तभी योगी अपने भीतर की शांति को पा लेता है और बाहरी दुनिया की जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तब उसे योग में स्थिर माना जाता है। इस श्लोक का संदेश, सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर की खोज में है। यथा दीपो निवास तत्व नेहतो सोपमा सूति था योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान के समय योगी के मन की स्थिति को समझा रहे हैं। जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं, वैसे ही तुलना योग का अभ्यास करने वाले अपने मन को नियंत्रित कर चुके योगी के साथ की जाती है। अर्थात योग और ध्यान का अभ्यास में हमें कैसे मन की शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है, जैसे हवा से रही स्थान पर दीपक की लौ स्थिर रहती, वैसे ही एक योगी का मन भी ध्यान में स्थिर रहता है। उसे बाहरी दुनिया के प्रभाव से दूर रहकर अपने भीतर की स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जीवन की सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाया जा रख सके। अर्थात हमें हर रोज थोड़े समय का ध्यान करे, चाहे वह 5-10 मिनट का ही क्यों न हो, हमारे मन को शांत करने और जीवन में तनाव से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। यत्रो परमते चितम निरुधम योग सेवया यत्र चेव आत्मना आत्मनम पश्यन आत्मनि दुष्यति। जब योग अभ्यास के द्वारा मन नियंत्रित होकर शांति में लीन हो जाता है और जब साधक स्वयं को अपने आत्मा में देखते हुए आत्म सुख का अनुभव करता है तो उसे आंतरिक सुख का अनुभव होता है, जो बुद्धि द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात योग की नियमित साधना से मन भटकने से रुक जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है। यह वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करता है। यह सुख इंद्रियों से परे होता है, इसे न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है।
इस आनंद को केवल एक स्थिर और शांत बुद्धि ही समझ सकता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।